Let's start the prayer. Close your eyes and repeat after me. Om Bhurvasyaha Tasvavitarvaredyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Bhurvasyaha Tasvavitarvaredyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. Rub your palms and keep it on your eyes. Okay, let's start. Today, Rahini is new and Mridul is new. Mridul gayab ho gaya. Mridul's connection is lost. Okay, rest, Kanak, Disha and Nishtha, Pridarshini know how to do the sums. Rahini, मैं आपको brief up कर देती हूँ. We are solving since we solved the word problems. ठीक है. Today, what will we do? I will dictate the word problem. You don't have to write. हम pen और paper का use नहीं करेंगे. ठीक है. What will we do? I will just dictate the sum. I will tell you the sum. आपको मुझे बताना होगा. One by one, I'll take out the name. आपको मुझे बताना होगा कि उस सम में आप कौन सा प्रोसेस, मतलब मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन क्या यूज करोगे, कौन सा प्रोसेस यूज करोगे. और उसके बाद आपको ये भी मुझे बताना होगा कि आप उसको कैसे सॉल्व करोगे. ठीक है, जैसे हमने पिछली बार किया था, बिकॉज एवरीबडी वॉन्टेड कि हम दोबारा से इसका वो एक बार रिविजन कर लें. क्योंकि हमको बेसिक कॉन्सेप्ट्स यही होते हैं, जब वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसे सॉल्व करने का तरीका. हमें समझ में आना चाहिए कि हमें उसमें एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लीकेशन या डिविजन. ये चार ही हमारे बेसिक चीजें हैं जिन्हें हमें यूज करना है. ओके, तो हमें ये सारी चीजें ध्यान रखनी है. अब हम क्या करेंगे, आई विल जस्ट टेल यू द सम. अगर उसकी जो फिगर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप जॉट डाउन करोगे, नहीं तो आई विल जस्ट नॉर्मली टेल यू. ओके, आरम, कैन यू गेट द मार्कर बॉक्स प्लीज. सपोजिंगली मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ सबके लिए स्टार्टिंग से. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने उस दिन स्टार्ट किया था, सिमिलरली राहिनी को समझाने के लिए. राहिनी, फॉर एग्जाम्पल द कॉस्ट ऑफ दिस मार्कर इज 5 rupees. ओके, एवरीबडी लिसन वेरी केयरफुली अगेन. द कॉस्ट ऑफ दिस मार्कर. मृदुल, सिट डाउन एट वन प्लेस प्लीज, एंड वी आर सॉल्विंग द वर्ड प्रॉब्लम्स विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर. ओके, सो सपोजिंगली द कॉस्ट ऑफ दिस पेन इज 5 rupees. प्रियदर्शनी ध्यान दो इधर. The cost of this pen is 5 rupees. Now, Kanak, if I need to buy 2 such kind of pens, so what? How much money will I have to pay to the shopkeeper? Only Kanak will tell me. Only Kanak. No, 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 Disha, no. Kanak, please tell me. Ma'am, अगर एक pen 5 की है तो ma'am, 3 pen total value 15 rupees की हो गई. No, Kanak, you're not listening properly. I said only 2 pens. आज मैंने सिर्फ 2 लिए. उस दिन की तरह नहीं, 3 का है. I have only 2 pens. So I try to speak in English. हम बोलेंगे that the 2 pens will cost rupees 10. Okay? Okay. Now can Mridul tell me if I have to buy 3 more such pens? I had 1 pens cost 5 rupees. Now I bought 1 pen more. The connect told me that the price is 10 rupees. Now I paid 10 rupees for 2 pens. Okay, Mridul? Now, 3 aur khareedni hai. So total kitni ho gayi, Mridul? How many markers now I have? Mridul will unmute himself. Okay. How many markers do I have right now in my hand? See here. How many markers do I have in my hand? Ma'am, 5. So what will be the cost of that I will pay to the shopkeeper if one marker cost me 5 rupees? So what will I pay to the shopkeeper? Ma'am. I count. Ma'am. No, you're not, Mridul. Ma'am, 20. No, you're wrong. Ma'am, sorry, 25. 25, because 5 into 5 is 25. अब हम इसे दो तरह से कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं प्रियदर्शनी? देखो इधर, या तो हम 5 + 5 + 5 + 5 + 5 करें, है ना राहिनी? या तो हम ऐसे करें स्टेप बाय स्टेप एडिशन, या फिर हम रिपीटेड एडिशन की जगह हम मल्टीप्लीकेशन करें. 5 rupees मल्टीप्लाइड बाय द नंबर जितनी हमने खरीदी है. दिस इज हाउ वी डू इट. द प्रोसेस दैट वी यूज्ड और व्हाट स्टेप डिड वी यूज मल्टीप्लीकेशन इन इट.
वी कैन ऑल्सो यूज एडिशन, क्योंकि मैंने पहली वाली क्लास में सिखाया था कि एडिशन का भाई है मल्टीप्लीकेशन, राइट? एडिशन का जो ब्रदर है, बिग ब्रदर है, वो मल्टीप्लीकेशन है, क्योंकि रिपीटेड एडिशन, बार बार एडिशन करने का मतलब होता है हम मल्टीप्लीकेशन में चले जाते हैं. ओके, एंड सिमिलरली जब हम स्टेप बाय स्टेप रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम डिविजन कर रहे होते हैं. रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इज डिविजन. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड, आई टोल्ड एवरीबडी कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कॉल्ड प्रियदर्शनी? क्या कहते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन को? मैम डिविजन. यस, इट इज कॉल्ड डिविजन. शी इज राइट. नाउ आई विल गिव सिमिलर टाइप्स ऑफ सम्स. राहिनी, हैव यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? अब इसमें क्या होगा, इफ द प्राइस इज, इफ द कॉस्ट या फिर द प्राइस इज ज्यादा, तो आप उसे अपनी रफ नोटबुक में जॉट डाउन कर सकते हो एंड यू कैन गिव मी द आंसर. एंड इफ इट्स नॉट दैट सम, तो आप मेंटल कैलकुलेशन करोगे. शुड वी स्टार्ट? ओके, नाउ सपोजिंगली आई वेंट टू द मार्केट एंड आई वॉन्टेड टू परचेज दिस बॉक्स. यस कनक, यू वॉन्ट टू आस्क समथिंग? मैम आप जो भी पूछेंगे हम उसका वन बाय वन करके बताएंगे, फिर सब थोड़ी बताएंगे आंसर. नो नो नो, आई विल आस्क, मैं पूछूंगी, जो ध्यान नहीं दे रहा होगा मैं उसी से पूछूंगी और उसके मार्क्स भी मिलेंगे. प्रियदर्शनी ध्यान दो थोड़ा सा. ओके, नाउ सपोजिंगली आई वेंट टू द मार्केट टू परचेज अ पेंसिल बॉक्स फॉर माई सेल्फ. एवरीबडी लिसन, किसी का भी अब नाम ले सकती हूँ, बिकॉज वी आर चेकिंग द लिसनिंग क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑल्सो, वो कितना ध्यान से अटेंटिवली क्लास में सुनते हैं, ठीक है? और हम ये भी देख बता रहे हैं कि सिर्फ हम पेन और पेपर से मैथ्स नहीं करते, हम मेंटल मैथ्स भी करते हैं. ओके, क्योंकि मेंटल मैथ्स इज मोर इम्पॉर्टेंट, राइट? कैसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो हमारे जो थिंकिंग स्किल्स है, एनालिटिकल स्किल्स है, लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स है, उन सबको इंप्रूव करता है, एनहांस करता है. ओके, नाउ व्हाट आर वी सेइंग? सपोजिंगली आई वेंट टू द मार्केट टू परचेज अ पेंसिल बॉक्स एंड द शॉपकीपर टोल्ड मी द कॉस्ट ऑफ दिस पेंसिल बॉक्स इज 120 रुपीज. ध्यान दो, 120 रुपीज, 120 रुपए. कनक लिसन वेरी केयरफुली, 120 रुपीज. ओके, नो राइटिंग, नो राइटिंग राइट नाउ. ओके, नाउ आई लाइक्ड दिस बॉक्स एंड देन आई टोल्ड माई मदर दैट आई वॉन्ट टू परचेज अ रूलर ऑल्सो. मेरे पास रूलर भी नहीं है, ऐसा भी याद आ जाता है ना हमें, तो आई सेड आई डोंट हैव अ रूलर, आई वॉन्ट अ न्यू रूलर ऑल्सो टू परचेज. सो मामा ने कहा ओके, गिव बाय दिस रूलर ऑल्सो. The cost of this ruler was, no, no writing. The cost of this ruler is 10 rupees. Can Rahini tell me what the total cost mama will pay to the shopkeeper? No, are you Rahini? No unmuting. Rahini, can you tell me what total cost will mama pay to the shopkeeper? for this box, Rahini, 120 रुपए का ये box है और 10 रुपीज का ये रूलर है, तो कितना हो गया राहिनी? 120 प्लस 10 कितना हुआ? ओके मृदुल, यू कैन टेल. 134. नहीं बेबी, 1000 कैसे दूंगी, इतना ज्यादा पैसा. इट्स ओनली 130 रुपीज. 100 रुपए, 120 का मतलब है 120 रुपए, 120 का मतलब है 120 रुपीज का ये बॉक्स है एंड 10 रुपीज का ये रूलर है, तो आई विल पे टू द शॉपकीपर 130 रुपीज. ओके मृदुल, एवरीबडी क्लियर? नाउ प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी ने गई थी मार्केट मम्मा के साथ, उसने बॉक्स ले लिया, रूलर ले लिया, अचानक से उसे याद आया कि उसके पास शार्पनर भी नहीं है, ठीक है? तो उसने कहा मुझे तो शार्पनर भी चाहिए. रो ही नहीं प्रियदर्शनी बस, ठीक है? रोने लगती है क्या प्रियदर्शनी मार्केट जाके? नहीं, रो ही नहीं बस, ठीक है? शी वॉन्टेड दिस शार्पनर. उसने मम्मा से कहा, मम्मा एक चीज और भूल गई, हमने शॉपकीपर को कितने रुपए दे दिए, देने हैं अभी 130. अचानक से प्रियदर्शनी को याद आया कि एक शार्पनर भी ले लेती हूँ, तो नाउ शी इज टेकिंग द शार्पनर. ओके प्रियदर्शनी, द कॉस्ट ऑफ द शार्पनर इज 5 रुपीज. ओके, so what will you pay now to the shopkeeper Pridarshini? आप कितना रुपया देंगे हम shopkeeper को, जल्दी से बताओ. only Pridarshini will unmute. yes ma'am. बताओ जल्दी. ma'am हम shopkeeper को देंगे
सोचो सोचो। मैम हम देंगे 500। नहीं, 500 कहाँ दे रहे थे, इसके लिए 100 रुपीज दे रहे थे, बॉक्स के लिए 120 रुपीज दे रहे थे, 120 रुपए, इसके लिए 10 रुपीज दे रहे थे, तो कितना हो गया, 120 + 10, 130 हो गया, इतना तो देना ही देना है, 130 रुपीज देने, और 5 रुपीज इसके लिए देने, तो कितना हो जाएगा, 30 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, मैम 30 पर 5 जोड़ेंगे तो 35 आएगा, 35, तो यानी कि 135 वील पे टू द शॉपकीपर, इज शी करेक्ट, राइट, 135, थोड़ा सा दिमाग और लगाना है, ओके, ध्यान देना है, अब 135 रुपीज हो गए, ठीक है, नाउ अब अचानक से ध्यान आया कि एक रफ कॉपी भी रह गई है, ओके, नाउ वी आर परचेजिंग अ रफ कॉपी आल्सो, नाउ दिशा अगर हमें 135 रुपीस देने थे, नाउ 40 रुपीस फॉर दिस रफ कॉपी, हाउ मच मनी विल यू पे, मैम 185, नो, सही से जोड़ो, 135, 40 रुपीस, नो अनम्यूटिंग रिदुल, दिस इज नॉट द क्लास सेंस, नो नो, यस 40 एंड 35 इज 175, अब अचानक से आरंभ को याद आया, नहीं 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 मेरे पास रफ कॉपी ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो वो रफ कॉपी नहीं लेना, 175 देने थे, 40 रुपीस थे इसके, तो वापस से रफ कॉपी उसने वापस रख दी, अब आरंभ कितना रुपया देना होगा, यही तीन चीजों का फिर से, मैम इसका हमें देना है मैम 135, यस, देखो एक बार ध्यान रखो कि वट एवर गोज इन द क्लास ना, जब हम ध्यान देते हैं टीचर जो बोल रहा है तो हमें क्लियरली विजुअलाइज रहता है, तो हमने शुरू किया था और फिर हम वापस आ गए, ओके, नाउ आई विल गिव यू सम टेक्स्ट बुक सम्स, अब ध्यान और ज्यादा देने की बात, ओके, पहला क्वेश्चन है दिशा, डिविजन इज अ प्रोसेस ऑफ वॉट, रिपीटेड वॉट, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, दिस इज फॉर दिस वॉज फॉर दिशा, ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, हाउ मेनी टाइम्स 6 शुड बी सब्ट्रैक्टेड, अभी दिशा ने बताया कि डिविजन रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मतलब है, यानी कि जब हम एक एक करके माइनस करते जाएंगे तो हमको आंसर में मिल जाएगा डिविजन का प्रोसेस, ओके, हाउ मेनी टाइम्स शुड 6 be subtracted from 48 to give 0, कितनी बार 6 को subtract करूं 48 से कि मुझे 0 मिल जाए, जल्दी से अपनी कॉपी में करके बताओ, जिसका सबसे पहले आंसर, वेट, जिसका पहले आंसर आएगा वो मुझे डन बोल सकता है, मृदुल इज डन, ओके मैम, वेट वेट वेट, यू डोंट हैव टू टेल द आंसर मृदुल अनटिल अनलेस आई टेल यू, लेट थ्री पीपल चेक डू इट, तो कितनी बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओके मृदुल दिशा एंड आरंभ हैव डन देयर क्वेश्चंस, सो वी विल जस्ट सी कि मृदुल पहले बताएगा, मृदुल व्हाट इज द आंसर, आरंभ नो नॉट डूइंग लाइक दिस, क्लास नंबर ऑफ बॉयज इन अ क्लास 120 एंड देर आर 100 गर्ल्स इन अ क्लास, नाउ टेल मी द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास राहिनी एंड व्हाट प्रोसेस विल यू यूज, लेट हर आंसर, नोबडी एल्स विल आंसर, What can you repeat question once again? Yes. The number of boys in a class are 120 and the number of girls in the class are 100. Now tell me that what are the total number of students in the class? What are the total number of students in the class, Rahini? 220. Yes, the total number of students are 220. Okay. Everybody is using a copy, Pridarshini. If you wish, you can use a copy, beta. Use a rough copy. Don't do it in your hands. Okay? Okay? Okay. Now, Disha, if 50 students were absent today, then what were the total number of students present in the class? Now, how much students are absent?
50 students were absent, then what is the total number of students present in the class? Ma'am, 180. Only Disha will answer. 220 minus 50. Disha, can you do it again? Please do it again. Oh, what is the answer, Mridul? Is she saying right? Ma'am, 250 and ma'am, 250. No, Kanak, not like this. Until and unless your name is said. Ha, Mridul, what are you saying? The answer will be 170. 170. Are you correct saying 170 plus 50 is equals to 220? And yes, it will be 170. Okay. Kanak, supposedly 20 more new students. Stop eating your nails. That's not a good habit. Supposedly 20 more students came in the class. Okay. New fresh students came. Now, Kanak will tell me what will be the total number of students today in the class. 170 are present. 20 new students came to the class. So, what is the total number of students, Kanak? Can you tell? Ma'am, 190. Supposingly, 100 students went for the library's lesson. Now, Aram, 190 students were there. Can you tell me 100 students chale gaye? How many students are there in the class now? 190 students were total. 100 students usme se library lesson ke liye chale gaye. Ab class mein Kanak, stop that thing. That is not good. In the class you're doing. Stop that face. 100. Now, how many students are remaining in the class now? 90 students are remaining. Okay. Is Aram correct, everyone? Yes. Okay. Now, next sum. 5965. Listen to this very clearly. 5 9. Abhi main, I will not repeat and don't unmute. Dhyan se sunna. 5965 plus dash is equal to 5965. What should I add, Kanak? Kanak, mujhe answer batao. 5965 plus dash is equal to 5965. What should I add, Kanak? What should I write in the fill in the blanks? Aram and Mridul have their hands. Ma'am, 5965 dwara add kar denge. No. Yes, Aram, you can answer. Ma'am, 1. No, wrong answer. Yes, Mridul. What is the second number? Please listen once only. 5965 plus dash mein aapko batana tha kya add karna hai is equal to 5965. Yes, Mridul, you will answer now. No unmuting. Mridul, only Mridul will be able to answer this question now. Zero. Very good. Clap for Mridul. Everyone, clap for Mridul. Good, very good. Aram, we will not add 1. Why will we add 1? We are getting the same number. Ek baat yaad rakhna. Jab hume same number mil raha hai, toh wahan par hum kya add karenge? Zero add karenge. Kanak, hume kuch nahi add karna tha. Hume zero add karna tha khali. Kyunki hume equal to ke idhar aur equal to ke idhar barabar rakhna hai. Maine pehli wali class mein bhi samjhaya tha ki equal to ka matlab hai barabar. Hume cheezon ko kya karna hai? Barabar rakhna hai. And when we are keeping the things equal, toh dono palade hamare barabar hone chahiye. Okay? Now everybody is clear? अच्छा, एक सवाल देती हूँ. ये बहुत इजी है. बहुत इजी है. ठीक है, लेट्स सी. सबसे पहले हाथ ऐसे किसका होगा जिस, और बिना सुने नहीं. अगर वो गलत होगा तो फिर अगला क्वेश्चन उससे नहीं पूछूंगी. ओके, ध्यान देना. 2 + 3 इज इक्वल्स टू 3 + dash. मैम, क्या? नो अनम्यूटिंग. 2 + 3 इज इक्वल्स टू 3 + dash. दिशा. Yes, 2 + 3 is equals to 3 + dash. जो equal to के इधर होगा वही equal to के इधर भी होगा. अगला question, listen to me very carefully. Okay, ध्यान देना. Okay, 53. अब देखते हैं इसे कौन जल्दी से करता है. Let's see. 53 + 42 + 47 + 58.
53 + 42 + 47 + 58 कौन सबसे पहले हाथ उठाता है? कम ऑन लेट्स कम ऑन एवरीवन बाब लेट्स सी हु आंसर्स इट फर्स्ट अगेन आई एम रिपीटिंग 53 + 42 + 47 + 58 हु आंसर्स इट फर्स्ट यस दिशा मैम डन मैम 200 Aram, is she right? No, ma'am. What is your answer? Ma'am, 142. No, she is right. 200 is the answer. 53 + 42. Yes, Kanak. Ma'am, 200. Yes, she answered it, Kanak. She answered it. 200 yes, is the answer. किसने गलत किया? देखो 53 ऐड करना था. Aram, check your answer. 53 plus 42 plus 47. एक आप खा गए. एक आपको भूख लगी थी 58 भी तो था प्लस 58 है ओके फिर से करना है प्रियदर्शनी के लिए बहुत अच्छी बात है प्रियदर्शनी सब मेंटली कर रही है फटाफट फटाफट पर प्रियदर्शनी अगर नहीं हो रहा है तो कॉपी भी यूज करो ठीक है मेंटली नहीं कर रहे नहीं कर रहे मेंटली अब मुझे लगा तुम हाथों में गिन रही हो ऐसे फटाफट 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 आपका सीखने का फायदा हो रहा है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देखते हैं कौन फटाफट करता है ओके आप ध्यान देना ध्यान से सुनना क्लास में किसी को पीछे नहीं छोड़ सकते लेट आरंभ एंड प्रियदर्शनी एंड कनक ऑल्सो डू दिस टाइम ठीक है वी विल वेट फॉर देम ऑल्सो मैम डन ओके वेट फॉर प्रियदर्शनी वेरी गुड प्रियदर्शनी का हाथ भी आ गया कनक वी आर वेटिंग फॉर यू मैम यस डन ओके अब आई विल टेल द आंसर यू विल नॉट द हेड्स लाइक दिस और नॉट ओके दिस टाइम आई विल गेट द चांस टू आंसर द क्वेश्चन आई गॉट 200 एज द आंसर इज एम आई राइट इफ आई एम राइट एवरीबॉडी डू दिस दो दो हैंड्स दिखाओ इफ आई एम राइट ओके वेरी गुड नाउ आई होप एवरीवन लाइक्ड द क्लास ठीक है हमने लास्ट टाइम भी ये किया था बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्लास 5 तक 3, 4, 5 में हम ये समझ रहे क्या हुआ प्रियदर्शनी तुम्हारा गलत आ गया तुमने मुंह क्यों बनाया ऐसा गलत हो गया यस मैम ओहो क्या गड़बड़ करी तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई क्या कितना आंसर आया आपका थोड़ी सी भूख लगी होगी तो तुमने 10 नंबर्स खा दिए कहीं पर तुमने कोई कैरी में गड़बड़ कर दी होगी एक पक्का विश्वास है मुझे तुम्हें ज्यादा भूख आज लंच नहीं मिला मिला तो फिर वापस से एडिशन करना अभी क्लास के बाद एक बार वापस से एडिशन करना और मम्मा को दिखाना तो मम्मा विल टेल यू दैट आपने थोड़ा सा कहीं पे एक मिस्टेक कर दी होगी ओके ओके नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मृदुल एंड राहिनी वर नॉट प्रेजेंट इन द क्लास एंड दिस टाइम निष्ठा इज ऑल्सो एबसेंट सो आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट सिंस वर्ड प्रॉब्लम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीनियर क्लासेस में क्लास 6 के बाद बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं सो 3, 4, and 5 की जो स्टेज है उसमें हमें अपनी वर्ड प्रॉब्लम्स की सारी जितनी भी क्वेरीज हैं डाउट्स हैं वो सारे सेशंस में क्लियर कर लेने हैं सो दैट हमें कोई प्रॉब्लम ना हो ओके यू कैन शेयर मी पर्सनली इफ यू हैव एनी डाउट इफ यू डोंट हैव एनी डाउट सो दैट्स नॉट एन इशू अपार्ट फ्रॉम दैट आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग मोर दैट प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ बिकॉज नाउ अ डेज द किड्स आर फॉलिंग सिक ठीक है ड्यू टू वायरल एंड ड्यू टू द चेंज इन द वेदर बहुत सारे आज बच्चे एबसेंट हैं उनके मैसेजेस आए हैं कि क्योंकि या तो वो बीमार है आरम को खांसी हो रही है हाँ क्योंकि या तो वो बीमार है या फिर उन्हें वायरल हो रहा है या फिर उन्हें फीवर है
तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। मृदुल के वहां बहुत ज्यादा धूप आ रही है मेरे ख्याल से, इसी वजह से वो हाफ स्लीव्स में बैठा है, बाकी हमने तो स्वेटर्स पहनी है। ओके, पर मृदुल के वहां मेरे ख्याल से डबल सन आ रहा है, डबल सन आ रहा है मृदुल तुम्हारे वहां है। तो प्लीज वेयर कंप्लीट वुलन क्लोथ, गर्म कपड़े पहनो, इनर्स पहनो, सो दैट आपका आप बीमार ना पड़ो बिल्कुल, सो दैट आपकी क्लासेस मिस ना हो, बिकॉज बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। ओके, एंड टेक केयर गुड ऑफ योर सेल्फ, एंड अपार्ट फ्रॉम वन थिंग मोर देयर इज की वर्ड प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करना। ओके, चलो टिल देन वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग एवरीवन, बाय बाय बाय।